वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और हमने ज्योग्राफी के सेशन में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आज उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो ऐसे सेलेस्ट्रियल बॉडीज जो कि लाइटलेस हो, जिनके पास खुद की लाइट ना हो और वो किसी स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हो, रिवॉल्व करती हो, ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं प्लैनेट्स। द लाइटलेस सेलेस्ट्रियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द स्टार्स आर नोन एज प्लैनेट्स, ठीक है। अब सन क्या है, सन भी तो एक तरीके का स्टार है, ठीक है, उसके पास अपनी लाइट है, अर्थ को सन के थ्रू लाइट मिलती है, ठीक है। रात में क्या है, मून की रोशनी अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है, और सुबह के टाइम या फिर जैसे मॉर्निंग बोलते हैं तो सन की रोशनी हम पे पहुंचती है, इस वजह से अर्थ को लाइट मिलती है, अर्थ के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, जो कि हमारा स्टार है, तो सन को सारे प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट करते हैं किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में सन को ऑर्बिट करता है। पर दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में, वीनस और यूरेनस आपके ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, क्या ऑर्बिट करते हैं सन के इर्द गिर्द, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि प्लैनेट्स को देखते हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ठीक है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ठीक, उससे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्लैनेट देखिए जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेप्ट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, ठीक है। यही आपका जो यही ऑर्डर है, यही आपका मास में भी अप्लाई होता है। सबसे बड़ा मास है जुपिटर का, फिर सैटर्न, फिर नेप्ट्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, ठीक। अब डेंसिटी पे आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा डेंस, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ इज द डेंसिएस्ट प्लैनेट। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा प्लैनेट है, अर्थ है, फिर मरकरी, वीनस, मार्स, नेप्ट्यून, जुपिटर, यूरेनस और सबसे कम कौन सा है, सैटर्न है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, स्टार्टिंग के जो आपके जो है चार प्लैनेट्स हैं, ये जो स्टार्टिंग के आपके चार प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, इन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, कौन से, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक। और जबकि बाद के चार प्लैनेट आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्ट्यून, प्लूटो तो हमारा डफ प्लैनेट में काउंट होता है, उसे हम सोलर सिस्टम के इन आठों प्लैनेट में काउंट नहीं करते अब। तो हमारा जो लास्ट के चार प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्ट्यून, ये कैसे प्लैनेट हैं हमारे, जोवियन प्लैनेट हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के चार आपके कौन से हो गए, आपके टेरेस्ट्रियल हो गए, बाद के चार कौन से हो गए, आपके जोवियन हो गए, ठीक है। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुवियन आपके हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्ट्यून, अर्थ क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब सबसे ज्यादा किसको टाइम लगता है, सबसे कम किसको टाइम लगता है रेवोल्यूशन, एक रिवॉल्व होने में, तो सबसे ज्यादा टाइम आपका मरकरी को लगता है, फिर वीनस, अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्ट्यून। अब वेलोसिटी या फिर कहेंगे हम स्पीड, स्पीड में भी आपका जो है स्टूडेंट्स सेम ही है, सेम ही तरीके से जो है रेवोल्यूशन की वेलोसिटी है, जो आपके रेवोल्यूशन का पीरियड है वही फॉर्मेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्ट्यून, ठीक है। ये तो हो गया आपके प्लैनेट्स के बारे में। अब आ जाते हैं सन के बारे में, जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस कितनी है सन की, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम 152.1 मिलियन किलोमीटर, ये कितना है सन का डिस्टेंस है मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ से, अर्थ से, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस जिसे हम कहेंगे वो कितनी है, 141.8 मिलियन किलोमीटर। डायमीटर कितना है सन का, 13,92,000 किलोमीटर, कितना, 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। मास कितना है, 1.3 मिलियन टाइम्स ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ के कंपैरिजन में कितना वॉल्यूम है सन का, कितना, 1.3 मिलियन टाइम्स ऑफ द अर्थ। मास कितना है, 3,32,000 टाइम्स ऑफ द अर्थ, कितना, 3,32,000 टाइम्स। और ये इंपॉर्टेंट है अब कि ग्रेविटी आपसे पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी प्रेजेंट है सर्फेस ऑफ द अर्थ पे, वो अर्थ सॉरी सर्फेस ऑफ द सन पे, वो अर्थ के कितना गुना है, तो वो 28 गुना है अर्थ का।
अर्थ का 28 गुना ज्यादा ग्रेविटी प्रेजेंट है किसके सरफेस पे, सन के, ठीक है। डेंसिटी कितना है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर ऑफ फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भाग सन का वो हिस्सा जो हम नेकेड आइज से विजिबल है, जो हम अपने नेत्र से देख सकते हैं, उस भाग को सन के हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। वहां का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है वहां का, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेंटर पे कितना टेम्परेचर है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सन स्पॉट पे 1500 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी डिसिपेशन कितना है, 10^26 J/s। आपका प्रेशर सेंटर पे कितना है, 109 atm। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है रोटेशनल टाइम, ये दोनों डिफरेंट है। इक्वेटर पे रिलेशन में और पोल्स के रिलेशन में दोनों डिफरेंट है, दोनों याद होने चाहिए। 25.38 days, 38 days, 25.38 days लगते हैं रिलेटिव टू इक्वेटर, 33 days उसका रोटेशनल टाइम पीरियड है सन का रिलेटिव टू पोल। अब मेजर इंपॉर्टेंट, 3:1, ठीक है। क्या है 3:1, किसका रेशियो है, कॉम्पोजिशन ऑफ सन का। जब भी सन के कॉम्पोजिशन की बात आती है तो वैसे तो उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, है? सन में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, बट बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का ही हम फॉर्मेट लेते हैं। वैसे तो देखिए हाइड्रोजन 71 है, हीलियम 26.5 और अदर्स 2.5 है, पर मोटा मोटा हम क्या लेते हैं, 3:1 रेशियो में उस सन का जो है कॉम्पोजिशन लेते हैं, जिसमें 3 आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, एक पार्ट आपका हीलियम में काउंट होता है, ठीक है। तो सन का कॉम्पोजिशन कभी कभी 3:1 रेशियो में भी पूछा जा सकता है। तो वो क्या है, 3 क्या है हाइड्रोजन डिनोट करता है, 1 आपका हीलियम, ठीक है। फिर आ जाते हैं एज, एज है लगभग 5 बिलियन साल पहले, एस्टिमेटेड स्टार की नॉर्मल लाइफ होती है 10 बिलियन साल, ठीक है। तो 5 बिलियन अभी और सन की एज हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं। वेलोसिटी कितनी है लाइट की, 3×10^8 m/s। टाइम टेकन बाय सन की लाइट को अर्थ पे रीच करने में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड, ये एज इट इज याद होना चाहिए, 8 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है। एक लाइट ईयर का कितना होता है, 9.45 × 10^13 km डिस्टेंस होती है, 1 पार्सेक की 3.6 लाइट ईयर, ठीक है। ये था आपका मोटा मोटा फैक्ट सन से रिलेटेड, ठीक है। आज हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया है और सन के फैक्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।